हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग बहुत ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए, द हमारे चैनल द एजुकेशन मंत्रा में एक बार फिर सभी का स्वागत है। और हम आज आपको लेकर आया हूं मैथ के ऐसे वर्गमूल के तरीके जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे और ये अचूक तरीके होंगे आपके एग्जामिनेशन कैलकुलेशन में, ठीक है, और बहुत ही मदद करेंगे। तो बिना देर किए हुए हमारे चैनल से बिल्कुल आप लोग देखिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करिए जिससे ये वीडियो सभी तक लोगों तक आराम से पहुंच सके। तो देखिएगा, सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे वर्गमूल। और वर्गमूल में क्या बताएंगे पता है कि जैसे वो परफेक्ट स्क्वायर पूछा जाता है सिपाही के एग्जाम में। अभी पिछले साल जो सिपाही का पेपर हुआ था नियर अबाउट 2017-18 में एक एक दो दो क्वेश्चन पूछ लिया था। तो कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है या होने वाला है। तो चलिए चलते हैं। तो वर्गमूल में मैंने आपको एक चीज बताया था कि 5 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 1 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। हम आज उसी के आगे आपको बताएंगे कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या अगर किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होगी तो वो किस संख्या की परफेक्ट स्क्वायर होगी, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ये पूरी चीजें दिख रही होंगी। अब एक चीज हम आपको बताने वाले थे कि इकाई का अंक, ठीक है ना, इकाई का अंक सेम किस किस संख्या में होती है, 1 से लेकर 10 तक में किस किस संख्या में इकाई का अंक सेम होता है। तो जैसे देखिएगा, यहां पर 1 है और यहां पर 1 है, इसका ये मतलब हो गया कि 1 और 9 में अगर देखा जाए, 1 का स्क्वायर देखा जाए तो इसका यूनिट प्लस 1 है, वो भी 1 है। और अगर 9 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो 9 9 81, यानी मतलब 81 में देखा जाए तो यहाँ भी 1 हो रहा है। तो एक ऐसी संख्या, यहाँ देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, एक जो है एक ऐसी संख्या है जब हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लस 1 आएगा, या फिर हम 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी यूनिट प्लस क्या आएगा, 1 आएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तब भी यूनिट प्लस 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी यूनिट प्लस 1 आएगा। अच्छा, इसके अलावा और हम चलते हैं, यहां देखते हैं कि 4 जो है कब आता है, 4 कब आएगा, यूनिट प्लस 4 कब आएगा। तो दो संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे, दो संख्याओं का वर्गमूल जब निकालेंगे तो 4 यूनिट प्लस आने की पूरी संभावना है। वो कौन कौन सी संख्या है तो देखिएगा, 1 तो यहां है, यानी अगर हम 2 का वर्गमूल निकालेंगे 2 यूनिट प्लस 4 आएगा, या तो हम 8 का निकालेंगे, ठीक है, अगर हम या तो 8 का निकालेंगे तो 4 आएगा वर्गमूल, मतलब जो है यूनिट प्लस, क्या यूनिट प्लस, बस समझिएगा, अभी देखिएगा यूनिट प्लस का कितना योगदान है, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, हम अगर बात करते हैं इसके अलावा 9 किस किस में आता है यूनिट प्लस, तो देखिएगा 3 का स्क्वायर करते हैं या फिर 7 का स्क्वायर करते हैं, यानी हमारे पास अगर देखा जाए तो 3 कब आएगा, तो 3 के लिए दो कंडीशन है, या तो हम 3 का, 3 कब आएगा यूनिट प्लस, सॉरी, हाँ 3 कब आएगा, या तो जब हम जो है यहां देखिएगा 9, यानी अगर हम जो है 7 का स्क्वायर करें और 3 का स्क्वायर करें तो यहां आप 9 लिखिएगा, ठीक है, तो कब आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे या तो 7 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा बिल्कुल, इसको बस एक हमने आपको बता दिया है कि किन दो संख्याओं का यूनिट प्लस 1 हो सकता है। तो 1 कब आएगा, या तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लस 1 आ जाएगा, या तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लस 1 आएगा, या तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लस 4 होगा, या तो हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लस 4 होगा, या 9 कब होगा, 9 यूनिट प्लस कब होगा, या तो हम 3 का स्क्वायर कर दें और या तो हम 7 का स्क्वायर कर दें। अच्छा, अब देखिएगा 6 कब आएगा, 6 अगर हम बात करें, यहां देखिएगा 4 का स्क्वायर करें तो यूनिट प्लस 6 हो सकता है, और कहां हो सकता है, यहां देखिएगा 2, 4 और 6, यानी अगर हम बात करें जो है यूनिट प्लस की 6 कब आएगा तो दो संख्याओं में आता है, या तो हम 4 का स्क्वायर कर दे तो यूनिट प्लस जो है 6 आ जाएगा, या तो हम 6 का स्क्वायर कर दे तो यूनिट प्लस 6 आ जाएगा। तो ये चीजें बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। देखिएगा 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर लगभग में याद कर लीजिए, अगर नहीं याद है तो उसको एक बार फिर से लिख लीजिएगा कहूं कहीं, और उसको याद होना बहुत ही
जरूरी है। यहाँ हमने आपको बताया एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, इन सबसे ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण मैंने बताया कि एक के स्क्वायर में, एक का जब भी मतलब जो है यूनिट प्लेस की बात करते हैं, इकाई का अंक, एक किन कंडीशन में होगा, तो हमने कहा एक दो कंडीशन में होगा। पहला 9 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस 1 होगा, और दूसरा 1 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस 1 होगा, ठीक है। 4 कब होगा? दो संख्याओं का स्क्वायर। 9 कब होगा? दो संख्याओं का, ठीक है। 6 कब होगा? दो संख्याओं का। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, देखिए दो किसी अंक के मतलब जो है लास्ट में दो है, तीन है, सात है, आठ है, तो इनका जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है, बस इतना आप लोग जानिएगा। चलिए अब चलते हैं, हम इसी तरीके से आपको एक एक सवाल करना बिल्कुल सिखाते हैं। तो देखिएगा, हम सबसे पहले 20 के ऊपर का बताते हैं, क्योंकि 20 तक तो भैया बिल्कुल रट लीजिए, ठीक है, 20 तक तो बिल्कुल रट लीजिए, हम 20 के ऊपर का आपको बताते हैं, ठीक है। तो 20 के स्क्वायर तो चलिए ठीक है, सबको पता होता है 20 का 400 होता है, तो 21 का स्क्वायर हम बता रहे हैं आपको। 21 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है बताइएगा, 441, ठीक है। अब देखिएगा 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है, ठीक है, 441। अब जैसे मैंने कहा निम्नलिखित में 441 किस संख्या का वर्गमूल होगा, ठीक है ना, ये तो बिल्कुल सैंपल है, बट ऐसे ही एग्जाम्पल में पूछेगा और थोड़ा बढ़ा करके। तो 441 किस संख्या का वर्गमूल होगा, तो देखिएगा सबसे पहले चीज है ऐसे है, ठीक है। तो वर्गमूल निकालते समय बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, हमको एक ब्रेक पॉइंट बनानी होती है, हमको क्या बनानी होती है, एक ब्रेक पॉइंट, और वो ब्रेक पॉइंट बिल्कुल दो अंक के बाद लगता है, ऐसे दो अंकों के बाद एक ब्रेक पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है ना, एक और दो अंकों के बाद एक ब्रेक पॉइंट। हम पढ़ रहे हैं वर्गमूल, और वर्गमूल में हम बता रहे हैं 441 किस संख्या का वर्गमूल होगा, ठीक है, किस संख्या का वर्गमूल 441 होगा। तो देखिएगा अभी मैंने कहा कि 1 किन परिस्थितियों में आता है, 1 जो है किन परिस्थितियों में आता है, तो मैंने बताया था दो परिस्थितियों में 1 आता है, या तो यूनिट प्लस 1 हो, मतलब जब 1 का स्क्वायर होता है तो उसमें आता है, या तो 9 का स्क्वायर जब होता है तो उसमें यूनिट प्लस 1 आता है। तो इसका यह मतलब हो गया कि 441 यहां, यहीं से देखिएगा, यहीं से हमको कंपैरिजन करना है कि 1 कब आता है, तो या तो जिस संख्या का वर्गमूल ये होगा हमें नहीं पता है, लेकिन जिस भी संख्या का वर्गमूल होगा उसका यूनिट प्लस 1 होगा, ठीक है, उसका यूनिट प्लस क्या होगा, 1 होगा, या तो उसका यूनिट प्लस 9 होगा, ठीक है, क्योंकि 1 किन परिस्थितियों में मिलता है, 1 दो परिस्थितियों में मिलता है, एक एक के स्क्वायर में और एक 9 के स्क्वायर में। तो जिस भी संख्या का यह वर्गमूल होगा उसका यूनिट प्लस 1 होगा या तो 9 होगा। अब देखिएगा सेकंड चीज है, ये किस संख्या के वर्गमूल से कम है, ज्यादा नहीं, कम, कम किस संख्या से, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है ना। तो देखिएगा, हाँ, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 के बराबर हो, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक। तो देखिएगा अब ये जो 441 है, या तो 21 का स्क्वायर होगा या तो 29 का स्क्वायर होगा, तो बीच में एक 25 का स्क्वायर पड़ता है, 25 का स्क्वायर निकालना बिल्कुल आसान है, कैसे, 25 और 2 का 3 में गुणा कर दीजिए, 2 × 3 = 625। अब देखिएगा इन दोनों में कंपैरिजन करना है, इनसे इनसे जो है कंपैरिजन करना है, इनसे इनसे ये कंपैरिजन करना है कि कौन सी संख्या ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है तो ज्यादा वाला, अगर ये कम है तो कम वाला, तो इसमें कौन कम है, 21, तो ये किसका स्क्वायर होगा, 21 का स्क्वायर होगा, ठीक है, बिल्कुल उत्तर। अगर नहीं समझ में आ रहा तो घबराने की जरूरत नहीं, दूसरा चलते हैं और थोड़ा बड़ा लेकर चलेंगे, ठीक है ना, बड़ा लेकर चलते हैं, जैसे 1296 1296 किस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है, तो करना कुछ नहीं है, देखिएगा करना कुछ नहीं है, दो अंकों के बाद एक ब्रेक करना है, इसके बाद चेक करना है 6 किन परिस्थितियों में आता है। तो देखिएगा हम बता चुके हैं, एक 4 का स्क्वायर में 6 आता है, एक 6 के स्क्वायर में आता है, तो जिस भी संख्या का ये वर्गमूल होगा उसका यूनिट प्लस या तो 4 होगा या तो 6 होगा, ठीक है, बीच में इसका एक 5 ले लीजिएगा, बेस लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब 12 है, इस 12 को चेक कर लेंगे, इन स्क्वायर में से किसके स्क्वायर से ये कम है, ज्यादा नहीं, कम। तो देखिएगा 12 4 का स्क्वायर कितना, 16, 3 का 9, तो 3 ले लीजिएगा, 3 का 9 होता है, हाँ बिल्कुल, 34 हो गया और एक 36 हो गया, बीच में एक 35 का स्क्वायर होता है, तो 35 का स्क्वायर कितना होता है,
35 का स्क्वायर 25 और 3 चौक 12। अब बताइए कौन सा ज्यादा है, ये ज्यादा है ना, देखिएगा ये ज्यादा है, ये ज्यादा है ना, अगर ज्यादा ये है, ये छोटा है, देखिएगा ये छोटा है, अगर ये छोटा है देखिएगा ये ज्यादा, ये बड़ा है ना, तो बड़ा है तो बड़ा वाला, बड़ा है तो बड़ा वाला, अगर छोटा होता तो छोटा वाला, हमेशा इसी से तुलना करना है, 1296 बड़ा है कि 1225, अगर 1296 बड़ा है तो बड़ा वाला, 1296 छोटा है तो छोटा वाला। चलिए आगे चलते दूसरी सवाल की तरफ, बिल्कुल देखिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तुरंत बताइए कमेंट सेशन में, कल की क्लास में बताएंगे हम आपको, ठीक है। चलिए 1444 ये बताइए किस संख्या का स्क्वायर है, तो देखिएगा बिल्कुल फटाक से हमने स्क्वायर वर्गमूल आपको बता रहे हैं, और मैंने कहा कि बीच में एक ब्रेक कर दीजिएगा, बीच में दो संख्या के बाद एक ब्रेक करिएगा, दो संख्या के बाद देखिएगा चार किन दो संख्याओं का वर्गमूल होता है लास्ट में, ठीक है। तो एक देखिए दो का स्क्वायर चार होता है और एक आठ का स्क्वायर होता है, तो जिस संख्या का वर्गमूल होगा उसका यूनिट प्लस या तो दो होगा या तो आठ होगा, चीजें समझ में आ रही हैं, या तो दो होगा या आठ होगा, जिस भी संख्या का ये वर्गमूल होगा उसका यूनिट प्लस सेवन है, या तो दो होगा या तो आठ होगा, बीच में पांच पड़ जाता है रास्ते में, ठीक है। तो अब देखो ये चौदह है, अब चौदह इन्हीं में से देख लो किस संख्या के वर्गमूल से कम है, कम हमेशा देखना है, ठीक है, ज्यादा नहीं देखना है, कम कम कम, कभी कभी बराबर हो जाता तो बराबर हो जाता तब भी ठीक है, ज्यादा नहीं करना है। देखिएगा चार का स्क्वायर होता है 16, तीन का 9, अब 16 तो हो जाएगा ज्यादा, तो तीन ही लो, तो तीन तीन तीन, ठीक है। अब देखना बीच में भैया 35 है, इसको निकाल लो, 25 चार तीन 12, बताइए कौन ज्यादा है, 1444 ज्यादा है ना, अगर ज्यादा है तो ज्यादा वाला, 1444 अगर ज्यादा है तो ज्यादा वाला उत्तर होगा, ये 38 का स्क्वायर होगा। आप मोबाइल निकालिए, कैलकुलेशन करिए, 38 × 38 देखिए क्या 1444 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है। 1444 के बाद देखिएगा एक और ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं बताइए, जो संख्या आप कहिए वही हम ले ले, ठीक है। देखिएगा मैं 77 ले ले रहा हूं, क्या ले ले रहा हूं, 77 44 ले रहा हूं, बताइए किस संख्या का वर्गमूल है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, दो अंकों के बाद एक ब्रेक लेना है, चेक करना है चार किन दो संख्याओं में आती है, तो दो में आती है, आठ में आती है, बीच से पांच गुजरता है, लिखिएगा। इसके बाद ये देखिएगा किस संख्या के वर्गमूल से कम है, किस संख्या के वर्गमूल से यह कम है, अगर यह देखिएगा किससे कम है, बताइए 77। अब देखिएगा ये 9 के स्क्वायर से कम है, ठीक है ना, नहीं 9 तो ज्यादा हो जाएगा, 8 लीजिए, 8, ठीक है, 8 × 2 = 64, 9 × 9 = 81, कम देखना है ना, तो 8 लीजिएगा। तो देखिएगा जिस भी या तो या 82 का वर्गमूल होगा या तो या 88 का होगा, तो हम बीच में बताए थे एक 85 का ले लीजिएगा वर्गमूल, तो 5 × 25 और 9 × 8 = 72, बताइए कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, तो हमने कहा ये ज्यादा है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये है, तो 88 × 88 उत्तर हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और संख्या ले, चलिए ठीक है, 116 64 ले रहे हैं, 116 64 ले रहे हैं, अब बताइएगा इसका, बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका आपको बिल्कुल सेम करना है, एक दो अंकों के बाद बिल्कुल एक ब्रेक लेना है, और हमको यह चेक करना है सबसे पहले कि चार किन किन संख्याओं में आता है, तो एक दो आएगा और एक आठ आएगा, तो जिस भी संख्या का यह वर्गमूल होगा उसका यूनिट प्लस या तो दो होगा या तो आठ होगा, बीच में पांच पड़ता है। अब इसको 116 देख लो, तो 11 का 121 होता है, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, ठीक है, और 10 का 100 होता है। अब 121 लोगे तो ज्यादा हो जाएगा, हमको कम लेना है, तो कम में 10 ले लोगे यानी 100 का 10 का स्क्वायर, तो भैया या तो यह 102 का स्क्वायर होगा या तो ये 108 का स्क्वायर होगा, तो 108 दो में बीच में से पड़ता है, 105 पांच का स्क्वायर तो सबको पता है, ठीक है, 11 दहाई में 110, बताइएगा ज्यादा कौन है, तो अगर ज्यादा जो है ये है, देखिएगा ये ज्यादा है, तो ये 108 का स्क्वायर हो गया। चीजें समझ में आ रही होंगी, उम्मीद करते हैं कि सबको जबरदस्त तरीके से समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत होगी कमेंट सेशन बिल्कुल तैयार है आपको, सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो पहुंचाना है, जिससे द एजुकेशन मंत्रा बिल्कुल निःशुल्क तरीके से जो अपने एक समझिएगा एक ट्रस्टियल काम कर रही है उसमें आपका योगदान बस इतना है।
कि भैया सब्सक्राइब करवा दीजिए 1000-2000 लोगों को ज्यादा से ज्यादा कम समय में। बहुत जबरदस्त चीजें बताई जा रही हैं आपको, ठीक है। तो बिल्कुल चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं अब आप वर्गमूल निकाल ले जाएंगे। अगर नहीं निकाल पाएंगे फिर हम बताएंगे आपको। और बता दे क्या क्या बता दे, बताइए आप बताइए, जो कहिए संख्या वही हम आपको बता दे। चलिए एक और हम देख ले रहे हैं और करके हम देख ले रहे हैं क्या और आपको बता सकते हैं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तुरंत बताइए। जैसे देखिएगा हम कर दे रहे हैं आपका बिल्कुल, देखिएगा अब हम दे रहे हैं आपको, ठीक है। आप करके बताइएगा, आप करके बताइएगा। चलिए लोकल दे दे रहे हैं, क्या दे दे रहे हैं आपको, 1296। बताइए किस संख्या का वर्गमूल होगा। सर तो दिए हैं लेकिन सेकंड में करना है, ब्रेक करो छा देखो किस किस में आता है। देखिए 6×6=36, 4 का, तो जिस भी संख्या का वर्गमूल होगा या तो यूनिट प्लस 4 होगा या तो 6 होगा। बीच में हमने बताया था 5 लिखो, अब 12 का देख लो इनमें से किसके आसपास है, 12 में इसमें से किसके आसपास है। तो 3 का स्क्वायर 9 होता, 4 का 16, तो 3 3 3। बीच में 35 55 25, 4 3 12, ज्यादा कौन है, ज्यादा यही है, उत्तर ये हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये ज्यादा है तो ज्यादा वाला, जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है जो संख्या दी हुई है अगर वो ज्यादा है तो ज्यादा वाला उत्तर होगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा आपने कहा कि सर और कुछ बता दीजिए, सर और कुछ बता दे, बता दे इससे भी आसान तरीका, चलिए बताइएगा, ठीक है। इसको हम रफ कर दे रहे हैं, इसको हम रफ कर दे रहे हैं और एक छोटी सी कोशिश और करते हैं। किसी भी संख्या का अगर कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा एक सबको पता होगा ये 50 है, इसी 50 को हम बेस मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, बेस, बेस। और सबको पता है 50 का स्क्वायर होता है 2500, 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब हम जुगाड़ आपको बता रहे हैं। जैसे 1681, एक संख्या मैंने लिया, क्या लिया 1681, किस संख्या का वर्गमूल है आप बताइए, किस संख्या का वर्गमूल है। भैया बेसिक तरीका मैं बता चुका हूं, कुछ करना नहीं है, दो अंकों के बाद हैशटैग लगाना है और इसके बाद जो है चेक करना है एक किस में आता है, फिर यहां से सिस्टम बनाएंगे उत्तर आ जाएगा। चलिए ठीक है, उससे भी मैं फुर्सत दिलवा दे रहा हूं आपको, फुर्सत दिलवा दे रहा हूं। ये बताइएगा कि 16, ये देखिएगा ये 25 लीजिएगा, 25 लीजिएगा, 25 लीजिएगा, 25 25 माइनस 16 कर दीजिए कितना हो गया, 16 4 20 9, 9 है ना भाई, देखिएगा 25 से 16 घटाइएगा तो 16 4 20 यानी 9, 16 9 25 और 9 है, ये 9 है ना, 50 से 9 घटा दीजिएगा, ये किसका स्क्वायर हो गया, 50 से 9 घटाएंगे 41, ठीक है 41 का ये स्क्वायर हो गया, किसका हो गया, है ना आसान, 41 का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ करके देख लीजिएगा, 41 का स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, चलिए ठीक है, ये बताइएगा 1764, ठीक है। देखिए बिल्कुल स्क्वायर रूट चल रहा है और यहां पर हम 50 जो है बेस मान के चल रहे हैं, 50 हमको बेस मान के चलना है और करना कुछ नहीं है, 1764 है ना, किस संख्या का वर्गमूल है, करने की जरूरत नहीं है, देखना सिर्फ इतना है 25 से 17 घटा दो, 25 से 17 घटा दो तो कितना जाएगा, 25 5 30, भाई घटाइए तो 25 से 17 घटाइए कितना जाएगा, 17 3 20 यानी 8 हुआ, जैसे ही 8 हुआ अब 50 से 8 घटा दीजिए कितना आ गया 42, ये आपके लिए कर रहा हूं वरना ओरली आप कर सकते हो, ठीक है आपके लिए ओरली है ये, बिल्कुल कर सकते हो, कोई डाउट होगा तो बताइएगा, ठीक। तो ये हो गया 1764 हो गया। इसके अलावा अगर हम चलते हैं 1764, एक बिल्कुल एक सेकंड रुकिएगा, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, ठीक है। 1849 ले ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं 1849, ठीक, बताइएगा किस संख्या का स्क्वायर है। तो देखिए करना कुछ नहीं है, करना कुछ है नहीं, 25 में से 18 घटा दीजिए, 25 में से 18 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, सॉरी 7 आएगा ना, देखिएगा 18 में से, ठीक है ना, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है, ठीक। अब 50 में से 7 घटा दीजिए, 50 में से 7 घटाएंगे क्या आ जाएगा 43,
ये हो गया 43 का स्क्वायर हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो है हम चलते हैं एक और स्क्वायर की तरफ चलते हैं, देखिएगा 1936 क्या है, 1936 देखिए फटाक दे पकड़िए, 19 है घटा दीजिए 25 से, 25 से घटाएंगे कितना आ जाएगा 6, और 6 आप 50 से घटा दीजिए 44 उत्तर। चलिए फिर से बता रहा हूं, 1936 है, किस संख्या का स्क्वायर है ये, ठीक है करना कुछ नहीं है, 25 से 19 घटा दो कितना हो गया 6, 50 से 6 घटा दो 44 उत्तर आ गया विद इन सेकंड, हो रहा कि नहीं हो रहा है, ठीक है दिक्कत होगी बताइएगा, 1936 किसका स्क्वायर हो गया 44 का हो गया। चलिए बताइएगा 21 जो है 21-16 ले लीजिए, क्या ले लीजिए 21-16 ले लीजिए, ठीक है घटाइए 25 से 21 घटाएंगे कितना हो गया सबको पता है 4, और 50 से 4 घटा दीजिए क्या आ जाएगा 46, ठीक है 46 का स्क्वायर हो गया ये, और कोई दिक्कत हो तो बताइए हमारे चैनल में बताइए, कोई दिक्कत हो चलिए ठीक है ये बता दीजिए हमको 2209 किस संख्या का स्क्वायर है, आपको तो पता है सर ने विद इन सेकंड बता दिया है, विद इन सेकंड कैसे आएगा 25 से 25 माइनस 22 करोगे 3 और 3 को 50 से घटाओगे 47 उत्तर, कोई डाउट 25 माइनस देखिएगा 25 माइनस 22 कितना हो गया 3, 50 से घटा दीजिएगा 47, 2209 हो गया। 2304 बताइए, 2304 बताइए, 2304 25 से 23 गया, 25 से 23 गया 2 और 50 से 2 घटा दीजिए 48, ठीक है हो गया कि नहीं हो गया, विद इन सेकंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लीजिए द एजुकेशन मंत्रा पे आइए और सेकंडों में लीजिए वर्गमूल घनमूल, ठीक है ना करना कुछ नहीं है। अच्छा एक चीज आपके दिमाग में चल रहा होगा, चलिए एक और हमको बता दीजिए 2401 बता दीजिए, 2401 उत्तर तो आ गया होगा, कैसे उत्तर आ गया होगा 25 से एक कम है, ठीक है तो 1 50 से घटा दीजिए 49, ठीक है क्या हमने बताया आपको 2401 का वर्गमूल बताओ भैया कितना कम है 25 से, एक कम है तो 50 माइनस 1 49 आंसर करेक्ट, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, देखना यह है कि ये 25 से कितना कम है, जितना कम है इसी बेस 50 से आप घटा दीजिए, इसी बेस 50 से आप घटा दीजिए, ठीक है कहीं जाने की जरूरत नहीं है, शानदार तरीका है, इसके पहले वाला देखिएगा वो भी परफेक्ट स्क्वायर यानी परफेक्ट संख्या का ही स्क्वायर है और ये भी परफेक्ट संख्या का ही स्क्वायर है, कौन सा आसान है, ये आसान है करिएगा कोई दिक्कत नहीं है, हम तो आपको चाहते हैं कि विद इन सेकंड हो, जैसे कोई किसी ने पूछ लिया कि 1849 किसका स्क्वायर होता है 1849, अच्छा 1849 यानी जो है 25 से 18 कितना कम है 7 कम है 50 से 7 घटा दिया 43 उत्तर, जैसे मैंने कहा 1761 किसका उत्तर है तो 1725 से आपने घटा दिया, जब 17 घटाया तो कितना आ गया बताइए 8, 50 से 8 घटा दीजिए 42 उत्तर, हो रहा है कि नहीं हो रहा है विद इन सेकंड, हो रहा है ना, चलिए चलते हैं आगे चलते हैं, एक चीज जो आपके मन में चल रहा है वो हम समझ रहे हैं, वो ये चल रहा है कि चलिए ठीक है 25 से कम है, 25 से कम है 25 से हमने घटा दिया और 50 से हमने घटा दिया, दोनों जगह हमको घटाना है, ठीक है पहली बार हमने क्या किया कि 25 से माइनस किया और फिर 50 से माइनस कर दिया, ठीक उत्तर आपके साथ हो गया, जैसे 2401 मैंने कहा तो आपने 25 से एक कम कर दिया, 25 से 24 से कम किया तो एक और 50 से एक घटा दिया 49 का यह स्क्वायर हो गया, ठीक। अब हम चलते हैं उन संख्याओं का वर्गमूल निकालना आपको बताएंगे, जैसे एक सेकंड रुकिएगा हम कुछ चीजें देख लें फिर आपको बता दें, हाँ अब ये हम कहना चाह रहे थे कि जैसे संख्या 25 से माइनस किए और फिर 50 से घटाते थे, लेकिन कभी कभी क्या आ जाएगा, जैसे संख्या है 3364, संख्या क्या है 3364, अब यहां पे आपने देखा कि 25 से यह ज्यादा है, 25 से यह क्या है ज्यादा है, तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, 25 से यह ज्यादा है, कितना ज्यादा है बताइएगा, तो 25 5 30 और 3 8 यानी अगर देखा जाए तो 8 ज्यादा है ना, देखिएगा यहां से घटा लीजिए ना 33 माइनस 25 कर लीजिएगा कितना आ गया 8 आ गया, ये 8 आ गया ना, अब देखिएगा आपको इस बेस 50 में 8 जोड़ना है, बस इतना ध्यान दीजिएगा,
अगर संख्या 25 से ज्यादा है तो 50 में जोड़ना है, और संख्या अगर 25 से कम है तो 50 से घटाना है। ठीक, तो देखिएगा यहां मैंने 8 घटाया, मतलब यहां पर 8 आया और यहां जोड़ दिया, तो ये किसका स्क्वायर हो गया, 58 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, जैसे मैंने और आपसे कहा, क्या कहा, 3249। ठीक है, 3249 से लिए 3249 ये बताइएगा। ठीक है, 25 से देखिएगा तुरंत घटा दीजिएगा, 25 से मतलब 32 जब माइनस करेंगे, या फिर 32 से माइनस कर लीजिए, 32 माइनस 25 तो कितना हो गया बताइएगा, कितना हुआ बताइए, 25 5 30 और 2 7 यानी 7। ठीक है, तो 50 में आप 7 जोड़ दीजिए, यानी 50 प्लस 7 कितना हो गया, 57, या 57 का स्क्वायर हो गया, आ रहा है ना। तो इन्हीं सब वीडियो के साथ हम आज की मतलब ये स्क्वायर रूट खत्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।